हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। महाराष्ट्र में कोरोना की गिरावट में आने के बावजूद महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, लगातार कोरोना वायरस के कम होने की वजह से महाराष्ट्र में चरणबद्ध तरीकों से लॉकडाउन खोलने की बात कही जा रही थी। चार चरण तरीकों से लॉकडाउन को खत्म किया जाने वाला था। पहले चरण में दुकानें खोली जाने वाली थी, दूसरे चरण में लोगों को अनुमति मिलने वाली थी, सिनेमाघरों को अनुमति मिल रही थी, तीसरे और चौथे चरण में जो है धार्मिक स्थल, मंदिरों और लोकल ट्रेनों को खोलने की बात की गई थी। यानी कहीं ना कहीं चार चरणों में पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त होने वाला था। लेकिन अभी अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ बयान दिया है कि 15 दिन के लिए लॉकडाउन और आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन इसलिए बढ़ाया जाएगा क्योंकि अभी भी राज्य के 15 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यानी अभी भी महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा जो है टला नहीं है, इसलिए 15 दिन का लॉकडाउन आगे और बढ़ाया जाएगा 1 जून के बाद। यानी अब जो आशंकाएं थी काफ़ी लोगों के मन में कि क्या क्या चीज़ें खुलने वाली हैं, अब उस चीज़ पे फिर से एक बार प्रतिबंध लग चुका है। क्योंकि अब 15 जून के बाद ही कुछ भी खुल सकता है, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो टेलीकॉम्स हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, होटल हो, किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस आपका हो, तमाम चीज़ों को 15 जून से पहले आप नहीं खोल पाएंगे। सरकार की तरफ से ये संकेत आज ही श्री उद्धव ठाकरे जी ने गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी कोरोना के केसेस से महाराष्ट्र को निपटने में थोड़ा और समय लगेगा, वैक्सीन को भी थोड़ा समय जाएगा क्योंकि वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, इसलिए 15 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया।